पॉइंट्स टेबल दिखा सके कि अब कौन कहां खड़ा है, क्या सूरत हाल है। तो ये देखिए, न्यूजीलैंड और इंडिया टॉप पर, चार मैच खेले चारों जीते। साउथ अफ्रीका तीसरे नंबर पर, चार में से तीन जीते। ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर, चार में से दो जीते। पाकिस्तान पांचवें नंबर पर है, पाकिस्तान ने भी चार में से दो ही जीते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, लेकिन हमारा नेट रन रेट उससे बहुत कम है। सो ये है सारी की सारी सूरत हाल। बासित अली साहब, ये इंग्लैंड को क्या हो गया? तो फेवरेट्स में से लोग कह रहे थे, सेमीफाइनलिस्ट कह रहे थे, पहले न्यूजीलैंड से हारा, आज साउथ अफ्रीका से ना सिर्फ हारा बल्कि मतलब रुसवा हो गया हारा, मतलब ये तो कम, 399 के सामने 170। वसीम भाई, मैंने आज मैच नहीं देखा, मैं तो जलसा देख रहा था। अच्छा, जलसा देख रहे थे? और ऐसा जलसा मैंने देखा नहीं भाई। अच्छा, आप खुश हैं जलसा देख के? बहुत खुश हूं। अच्छा ठीक, आज रोया भी मैं। क्यों? लाजमी बात है, पुरानी यादें आती हैं। अच्छा, पुरानी यादें आ दो। ओके, बासित अली साहब अलग माहौल में, ऑलराइट। लेकिन अच्छा, और वैसे एक क्विक कमेंट, साउथ अफ्रीका पे भी 399, ठीक है मैच नहीं देखा लेकिन स्कोर्स तो देख रहा हूं। मुझे मैसेज आ रहे थे कि ये वही टीम है जो पिछला मैच नेदरलैंड से आ रही है। एग्जैक्टली, ऐसा फेटा लगाया है कि लग ही नहीं रहा था इंग्लैंड की टीम है, साउथ अफ्रीका लग रहा था बासित अली बॉलिंग सामने। यानी खवातीन, साउथ अफ्रीका की अब तक की वर्ल्ड कप की जर्नी देखिए, श्रीलंका से वन साइडेड जीता, ऑस्ट्रेलिया से वन साइडेड जीता, इंग्लैंड से वन साइडेड जीता और नेदरलैंड से हार गया। मतलब ये कमाल है, ये इस वक्त साउथ अफ्रीका की जर्नी। कामी भाई, अभी वर्ल्ड कप सही आधा हुआ है, चार चार मैच हुए, नौ नौ खेलने हैं, तकरीबन आधा हुआ है, तो हम नतीजा नहीं निकाल रहे, लेकिन इंग्लैंड के लिए श्रीलंका का तो बहुत ही मुश्किल हो ही रहा है। इंग्लैंड का भी सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल नहीं होता जा रहा हर गुजरते मैच के साथ? बहुत मुश्किल है, जैसे पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है ना, हर मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आने वाला, तो इंग्लैंड को भी वही जीतना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी जीतना पड़ेगा। एक गलती, एक मैच भी अगर हार गए तो फिर टूर्नामेंट से हम लोग बिल्कुल ही बाहर हो जाएंगे। इंग्लैंड तो वैसे ही उनका कॉन्फिडेंस मुझे ऐसे ही लग रहा है, वो तो अगली न्यूजीलैंड से भी हार गए, इंडिया से भी जीतता हुआ मुझे नहीं लग रहा। और लास्ट मैच पाकिस्तान के साथ है, उस वक्त तो दोनों टीमों का पता चल जाएगा। हाँ। तो वो फिर मोमेंटम, इंग्लैंड इतनी बुरी टीम तो नहीं है जितना बुरा खेल रही है। देखिए, बहुत बहुत अच्छी टीम है और डोमिनेट किया। आजकल जो हम लोग मॉडर्न डे की क्रिकेट की बात करते हैं ना, हाँ। तो इन्होंने स्टार्ट किया क्रिकेट ऐसे खेलनी, जितना वो स्लो खेलते थे उतना ही वो तेज उन्होंने क्रिकेट की है। लेकिन टीम सिलेक्शन, कैप्टनसी, ये सारी चीजें नजर आ रही है कि दो दिन पहले आप अफगानिस्तान से चेस करते हुए हार रहे हैं जी 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 अंडर लाइट, फिर साउथ अफ्रीका की टॉप की बॉलिंग तेज बॉलिंग है, तो आप उनको मौका दे रहे हैं कि वो आपको बिल्कुल ही गिरा दे, फिर इतनी गर्मी है और बॉलर से बॉलिंग नहीं हुई तो फिर फेंटा तो पड़ेगा, चार रन तो किए। और यही बड़ी टीम की निशानी है कि एक हार के बाद कैसे कमबैक करते उठती है, नेदरलैंड से हारने के बाद इस तरह उठे, तो पाकिस्तान भी अल्लाह करे ऐसे इंशाल्लाह।